नमस्कार दोस्तों, ओम शिव ओम शिव ओम शिव। दोस्तों आज तारीख है 14 सितंबर 2020, शुभ दिन है सोमवार का दिन। सोमवार के दिन का अर्थ है भगवान शिव शंकर का दिन। भगवान शिव शंकर कल्याण करने वाले देवता हैं, देवताओं और असुरों दोनों से पूजनीय हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। आज के दिन भगवान शिव शंकर की आराधना करना हम सबके लिए लाभदायक है, कल्याणकारी है। आज नक्षत्र है पुष्य, तिथि है द्वादशी। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले दोस्तों, आज आप जिज्ञासा से भरे रहेंगे। हिम्मत और सहन शक्ति, ये दोनों चीज़ें आज आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। आपके रास्ते में आज कहीं कोई रुकावट नहीं आने वाली है। अगर हो सके तो आज भगवान शिव शंकर के मंदिर में जाके सादा जल, शुद्ध जल उनको जरूर अर्पण करें। वृष राशि वाले दोस्तों, आज आप कुछ नया करेंगे, नया सीखेंगे और आगे बढ़ने की तमन्ना आज आपको एक नया आयाम देगी। पुरानी बातों को भूलने का प्रयास कीजिए, आगे बढ़े। आज का दिन आपके लिए लाभदायक है। कारोबार की स्थिति बहुत बढ़िया है, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले दोस्तों, एक बात का आप ध्यान रखिए, आज खास करके यात्रा को आज बिल्कुल नमस्ते कीजिए। आज यात्रा नहीं करनी। यात्रा करने से आपको कोई नुकसान हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, आपका सामान गुम हो सकता है। यात्रा आपको आज टालनी है हर कीमत पे। कर्क राशि वाले दोस्तों, आपके लिए आज का दिन मंगल में है, कल्याणकारी है, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला दिन आपका आज है। शुक्र चंद्र का गोचर आपकी राशि के अंदर है, जो कि आपको हर तरफ से लाभ देगा, कल्याण करेगा और धन की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वाले दोस्तों, आज मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि कार्य सिद्ध होंगे। जो जो आप विचार बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं पिछले 48 घंटों में, आज उनमें से लगभग 50-60% बातें आपकी आज सफल हो जाएंगी, आपकी योजनाएं सिद्ध होंगी, आपके सर्व कार्य सिद्ध होंगे। कन्या राशि वाले दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, एग्रीमेंट करने से पहले, कुछ बड़ी डील करने से पहले अच्छी प्रकार से सोच लें, सलाह कर लें, विचार कर लें। जल्दबाजी आज आपके लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, आपके लिए घातक है। तुला राशि वाले दोस्तों, आज का दिन आनंद में बीतेगा, कल्याण में बीतेगा, सुख शांति में बीतेगा। कहीं भी दिक्कत परेशानी आपको आज छू नहीं सकती। यात्रा का भी योग है और यात्रा से लाभ की भी प्राप्ति होगी। धनुराशि वाले दोस्तों, आज दिन ब दिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, आपका कल्याण होगा, योजनाएं सफल होंगी, सर्व कार्य सिद्ध होंगे। थोड़ी सी अड़चन दिखाई दे रही है, केतु देवता का गोचर आपको किसी टेंशन में डाल सकता है। जल्दबाजी से बचे, दूसरों की सलाह से काम लें, दूसरों की सलाह से आगे बढ़ें। मकर राशि वाले दोस्तों, आप आज जो भी कार्य करने के बारे में जो भी सोच के सुबह उठेंगे, आज आपके कार्य सिद्ध होंगे। सरकारी कार्यों से और गैर सरकारी कामों से आज आपको लाभ मिलेगा, सर्व कार्य सिद्ध होंगे आपके। आज आपके ऊपर आपकी राशि के स्वामी शनिदेव पूरी तरह से मेहरबान है। आप आज कुछ भी रिस्क ले लो, कुछ भी कर लो, आज नाकामी नहीं मिलेगी। ऐसा ही आज रिजल्ट है जी कुंभ राशि का। कुंभ राशि वाले भी जातक, आज आपका सर्व सिद्ध योग है, सर्व कार्य की सिद्धि होगी। कहीं भी दिक्कत परेशानी आज आपको छू नहीं सकती। सरकारी गैर सरकारी फाइनेंशियल के मामले, लेन देन के मामले आज सफल होंगे। नया कारोबार की स्टार्टिंग हो सकती है, नया कारोबार आज स्टार्ट हो सकता है। मीन राशि वाले दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा संयम बरतेंगे, पेशेंस रखेंगे, अपनी जल्दबाजी का त्याग करेंगे तो आप तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। आज आपकी सबसे बड़ी शत्रु आपकी जल्दबाजी है, आपका हौसला है,
जो कि निरंतर बढ़ रहा है बिना किसी दिशा से। आप दिशाहीन मत होइए, शांत रहिए, आपका समय उत्तम आने वाला है। दोस्तों ये था आज का राशिफल, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, ओम शिव ओम शिव ओम शिव।